दोस्तों स्वागत है आपका आशीष टेक्नोजॉन में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अर्निंग ऐप के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये हमारा अर्निंग ऐप है, तो हम इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, रेफर एंड अर्न के बारे में। तो आज हम लोग इसी पेज को डिज़ाइन करेंगे, तो इस कैशवेयर में चलना है और यहाँ पर मैं सीधे सीधे इस पेज पे आ जाता हूँ। तो अगर आप इस सीरीज़ में नए हैं तो पिछले वीडियोज़ को देखने के लिए आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा और आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो टेक्स्ट व्यू है इसका मैं नाम रीनेम करने वाला हूँ और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है इसका भी नाम मैं रीनेम करने वाला हूँ। तो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू वन का मैं नाम रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट व्यू का नाम रीनेम करके माई रेफर कोड कर लिया है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो एडिट टेक्स्ट है तो एडिट टेक्स्ट का भी नाम आपको रीनेम करके यहाँ पर कर लेना है, सिंपली इंटर रेफरल। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिएगा इंटर रेफरल, और यहाँ पे आप यहाँ पर माई रेफर कोड इसका टेक्स्ट बुक का नाम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इतना करने के बाद आपको सीधे सीधे चले जाना है यहाँ पे कंपोनेंट वाले टैब में। कंपोनेंट टैब में आने के बाद आपको फायरबेस का ऑथ ऐड करना है, बीच वाला फायरबेस ऑथ, इसका नाम आपको रखना है FAUTH, एफ ऑथ। इसके बाद आपको ऐड करना है, इसके बाद फिर से आपको ऐड करना है, वो ऐड क्या करना है आपको, फायरबेस डेटाबेस ऐड करना है। तो फायरबेस डेटाबेस में आपको ऐड करना है यहाँ पर FDB। ओके, आपको यहाँ पर FDB ऐड करना है, यूज़र लोकेशन आपको यूज़र्स ऐड करना है, यूजर्स। ओके, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ आपको लेके यूज़र के ऑथ एक्टिविटी पे और आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपने यूज़र सेट करा हुआ था तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़र सेट करा हुआ। अगर आपको सेट प्रेफरेंसेस यूज़ करना है तो आप सेम नेम का यूज़ करिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ यहाँ पे कंपोनेंट में मैंने क्या क्या यूज़र का गेट करा हुआ है। तो यहाँ पर नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड और URL, बस इतना चीज़ ही हमारे पास। तो मैं यहाँ से अब बैक करता हूँ और यहाँ पे हमें चलना है इस रेफरल एक्टिविटी पे। तो रेफरल एक्टिविटी पे आने के बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पर एक और भी ऐड करना होगा, वह है फायरबेस डेटाबेस, जिसका हम लोग नाम रखेंगे यहाँ पर वैलेट, वैलेट। ओके, और यहाँ पर वैलेट में हम लोग यहाँ पर अमाउंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर वैलेट ही ऐड करिए ताकि आपको यहाँ पर यूज़र का लोकेशन आपको वैलेट दिखेगा वहाँ पर फायरबेस डेटाबेस में। तो आपको यहाँ पर आप इसका कंपोनेंट का नाम अलग रख सकते हैं, लेकिन आपको यूज़र डाटा लोकेशन आपको वैलेट ही रखना है, ऐड करना है। इसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है, इधर आना है, और इधर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑन क्रिएट एक्टिविटी में जाना है। ऑन क्रिएट एक्टिविटी में आपको एक ब्लॉक सेट करना है, और उसके पहले मैं यहाँ से इस तरह रिमूव कर देता हूँ पहले से, और यहाँ पे ये जो हमारा रेफर है मैं इसे रिमूव करता हूँ। आपको एक वेरिएबल ऐड करना है और स्ट्रिंग वेरिएबल ऐड करना है, वो है आपका रेफर। तो मैं यहाँ पर रेफर ऐड कर लेता हूँ, रेफर कोड आपको सेट करना है यहाँ पे। ओके, तो रेफर कोड आप स्ट्रिंग में सेट कर लीजिएगा, ऐड बटन पे आपको टैप करना है, ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको कंट्रोल ब्लॉक में जाना है, इफ़ देन इल्स का ब्लॉक यहाँ पर ड्रॉप करना है, ऑपरेटर ब्लॉक में जाना है और यहाँ से आपको सेट करना है इक्वल्स वाला ब्लॉक। इसके बाद ये इक्वल्स वाला ब्लॉक आपको यहाँ सेट करना है, वेरिएबल में जाना है फिर से, और यहाँ से आपको रेफर कोड यहाँ पे सेट कर लेना है, रेफर कोड इक्वल्स ब्लैंक। मगर मतलब अगर यहाँ पे रेफर कोड आपका खाली रहेगा तब आपका क्या होगा, तो रेफर कोड अगर खाली रहता है तब सेट विजिबल हम लोग करेंगे, यहाँ पे दो सेट विजिबल आपको लेना है। यहाँ पर आपका जो एडिट टेक्स्ट रेफरल है इसमें हम लोग रेफरल कोड एंटर करेंगे वो है, और इसके बाद उसके नीचे वाला बटन जो हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम इन दोनों बटन को यहाँ पर विजिबल रखेंगे। ओके, तो इस तरह हम लोग को विजिबल करना है, इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे लगाना है इसके नीचे वाले में, और इसमें आपको गोन कर लेना है। गोन कर लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर रेफर कोड ब्लैंक रहेगा तो आपका यहाँ पर विजिबल होगा, और अगर ब्लैंक नहीं रहेगा तब आपका यहाँ पर नहीं दिखेगा, आपको गोन हो जाएगा। तो क्या क्या नहीं दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यह आपका बटन वन, ये नहीं दिखेगा, और यह आपका एडिट टेक्स्ट, ये भी नहीं दिखेगा। आप चाहें तो ये लीनियर थ्री को भी गोन कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे काम कर लेता हूँ, यहाँ पर रेफर लीनियर थ्री को ही यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से आपको लीनियर थ्री यूज़ कर लेना है, तो ये हमारा लीनियर थ्री है, इसे मैं गोन कर लेता हूँ, और ये है आपका लीनियर थ्री। तो मैं इसे यहीं गोन विजिबल कर लेता हूँ, ये ब्लॉक आपको डिलीट कर लेना है। तो लीनियर थ्री मैंने इसलिए गोन विजिबल किया ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लीनियर थ्री में ही सारा कुछ डेटा है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट टैब में आना है आपको, और यूजर्स में आना है। यूजर्स में आने के बाद ऑन चाइल्ड एडिट में आपको जाना है। ऑन चाइल्ड एडिट में आपको यहाँ पर चेक करना है, चेक करना आपको कंट्रोल में जाना है, इफ़ देन इल्स का ब्लॉक आपको लेना है,
और यहाँ पे आपको सेट करना है, ऑपरेटर में जाना है, और ऑपरेटर में जाने के बाद पहले आपको वेरिएबल में चलना है। वेरिएबल में जाने के बाद कंटेंस की आपको यहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे आपको चाइल्ड वैल्यू लगाना है, चाइल्ड वैल्यू कंटेंस की। आपका अगर चाइल्ड वैल्यू कंटेंस की रेफर मिलता है, रेफरल, ओके, तो रेफरल अगर आपको मिलता है सेव करना है। अगर आपको रेफरल मिलता है तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड करना है, ये है, ये आपका वेरिएबल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्ट्रिंग सेट करना है, इस तरह से सेट स्ट्रिंग में आपको लेना है यहाँ से इस तरह, और सेट स्ट्रिंग में रेफर कोड आपको ले लेना है सेट, और इसके बाद आपको यहाँ पर गेट की आपको कंटेंस यहाँ पे कर लेना है। तो आपका यहाँ पे चाइल्ड वैल्यू मिल जाएगा इस तरह से, आप यहाँ पे सेट करिएगा, और गेट की आपको मिल जाएगा यहाँ पे रेफरल, REFERAL। आपको सेम नाम रखना है, ये वाला जो रहेगा वो सेम नाम इसमें रहेगा। मतलब इसका ये है कि आपका फायरबेस में जब भी डेटा ऐड होगा तो यहाँ पर चेक किया जाएगा कि अगर यहाँ पर चाइल्ड वैल्यू में आपका रेफरल कोड है तब आपका यहाँ पर ये रेफरल कोड इसमें आ जाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ से अब मैं बैक करता हूँ, अगर रेफरल कोड यहाँ पर आ चुका है तब आपका ये गोन विजिबल ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट हो जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है तब आपका वो तो सिस्टम आएगा ही कि आपका यहाँ पर एंटर यूजर एंटर कोड करना है। और इसके बाद अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपका बटन वन क्लिक, मतलब जब भी यूज़र रेफर कोड एंटर करेगा तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करेंगे, यहाँ पर फायरबेस डेटाबेस में जो यूज़र्स है तो यूज़र्स में हम लोग एक चीज़ और ऐड करना है, हम लोग को लिस्ट बनाना है, और लिस्ट स्ट्रिंग में आपको ऐड करना है यहाँ पर ये वाला, और लिस्ट स्ट्रिंग में आपको चाइल्ड की ऐसे ऐड कर लेना है। ओके, और लिस्ट स्ट्रिंग में आपको डेटा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद आपको कंट्रोल ब्लॉक में जाना है, इफ देन इल्स का ब्लॉक में लगाना है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे सेट करना है लिस्ट स्ट्रिंग कंटेंट्स, नहीं आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है, यहाँ से आपको बैक हो जाना है। ओके, तो यहाँ पर आपको केवल ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप क्या करिएगा, सिंपल आपको यहाँ पे आ जाना है बटन वन क्लिक के पास। बटन वन क्लिक के पास आपको सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है, वो लॉजिक होगा यहाँ पे आपको ऑपरेटर में जाना है, और ऑपरेटर में जाने के बाद आपको यहाँ पे इक्वल्स इस तरह से करना है, इक्वल्स ब्लैंक, और इसके बाद आपको एक और कंट्रोल ब्लॉक में जाने के बाद आपको इक्वल्स यहाँ पर इसके नीचे में लगाना है, और लिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिस्ट कंटेंट्स आपको यूज़ करना है, और इसके बाद आपको लिस्ट स्ट्रिंग में डेटा ऐड कर लेना है कंटेंट्स, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे गेट टेक्स्ट इसमें, और फिर गेट टेक्स्ट सेम गेट टेक्स्ट करेंगे, एडिट टेक्स्ट इंटर रेफरल कोड ये वाला, और इसे हमको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद ये वाला करना है। ओके, और अगर ये यहाँ पर ब्लैंक्स रहेगा तब आपका ये होगा, और या फिर हम लोग एक और ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को एक और ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ देन इल्स का और ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। ऑपरेटर में आपको यहाँ पे सेट करना है, फिर से आपको एक इक्वल्स का ब्लॉक लेना है, इक्वल्स के ब्लॉक में आपको सेट करना है, इसे आपको कॉपी करना है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे सेट करना है, ऑपरेटर में जाना है, और फायरबेस गेट UID आपको लगा लेना है। मतलब अगर यहाँ पे आपको सेट करना है, और एक चीज़ मैं दिखा दूँ इसके बाद समझाता हूँ, क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे प्लीज़ इंटर वैलिड, प्लीज़ इंटर वैलिड कोड, और इसको आपको इसके नीचे वाले में लगाना है, ऊपर वाला इसका भी ब्लैंक रहेगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं क्लियर समझाता हूँ आपको, इसको आपको इसके नीचे में लगाना है। ओके, और इसके बाद फायरबेस UID के बाद आपको इसको इसके नीचे में लगाना है, इसके नीचे में नहीं, आपको इसके नीचे में लगाना है, मतलब ये सबसे अंदर वाले ब्लॉक में होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ भी एक टोस्ट जनरेट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लीज़ इंटर ए वैलिड URL वाला तो आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ऐड करना है प्लीज़ एंटर कोड। ओके, प्लीज़ एंटर कोड हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका प्लीज़ एंटर कोड, यहाँ पे प्लीज़ एंटर वैलिड कोड, मतलब कि अगर उसका उसी यूज़र का फायरबेस गेट UID यहाँ पे मिल जाता है एडिट टेक्स्ट में,
तो यहाँ पर वैलिड कोड हो जाएगा, क्योंकि क्या पता यूज़र आईडी वो अपना ही यूज़र आईडी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा होगा तो वो उसका नहीं दिखाएगा, मतलब कि नहीं मैच होगा। और अगर उसका अगर यहाँ पर लिस्ट स्ट्रिंग में अगर किसी का भी रेफरल कोड मैच हो जाता है तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में यूज़र को पैसा मिलेगा। तब यहाँ पर देखिए आपको वेरिएबल में जाना है, वेरिएबल में जाने के बाद क्रिएट न्यू मैप करना है, इसके बाद आपको पुट वैल्यू लगाना है, इसके बाद यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा मैप में जो आपका रेफरल है, और इसके बाद यहाँ पर भी आपको रेफरल लगाना है, इसके बाद कंपोनेंट में आपको ऐड की लगाना है यहाँ पर इस तरह, और इसके बाद आपको यहाँ पे वैलेट लगा देना है, वैलेट वाला आपको रेफरल कोड यूज़ करना है यहाँ पर। तो आपका ये हो जाएगा वैलेट, यहाँ पर वैलेट यूज़ करिएगा। और इसके बाद ऐड की में आपको क्या करना है, फायरबेस का गेट यूआईडी आपको कर लेना है, और यहाँ पे आपको फायरबेस गेट यूआईडी आप कर लीजिएगा इस तरह से। और इसके बाद आपको यहाँ पे मैप सेलेक्ट कर लेना है, इसका मैप हो जाएगा रेफरल, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फायरबेस गेट यूआईडी मिल गया उसको, और यहाँ पर उसके वैलेट में आपको पैसे जमा करना है, पैसे जमा करना है तो कितना पैसे जमा करना है, यहाँ पर उसका फायरबेस यूआईडी मिल गया और इसका यहाँ पर वैलेट हो जाएगा WALET वैलेट। इसके बाद वैलेट नहीं, आप यहाँ पे बैलेंस रख सकते हैं इस तरह, बैलेंस बैलेंस यूज़र का बैलेंस कितना होगा, वैल्यू में आपको यहाँ पर यूज़र का बैलेंस ऐड कर देना है, जितना भी बैलेंस रहेगा। तो हम लोग पहले बैलेंस कैसे ऐड करेंगे वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, इसके बाद हम लोग यहाँ पर बैलेंस ऐड करेंगे, जितना भी बैलेंस होगा ना वो बैलेंस हमको यहाँ पर ऐड कर लेना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ से बैक करता हूँ अब, और यहाँ पर आपको वैलेट में जाना है, वैलेट में ऑन चाइल्ड एडिट में आपको जाना है, और यहाँ पे कंट्रोल ब्लॉक पे चले जाना है, और इफ़ देन इज का आपको ब्लॉक यहाँ से लेना है। इसके बाद लिस्ट में यहाँ से वेरिएबल लेना है आपको, वेरिएबल में कंटेंट्स की आपको यूज़ करना है, कंटेंट्स की अगर चाइल्ड की उसका चाइल्ड वैल्यू मिल जाता है, चाइल्ड वैल्यू नहीं आ उसको उसका चाइल्ड की आपको लेना पड़ेगा, उसका चाइल्ड की इक्वल्स आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑपरेटर पर हम लोग चाइल्ड की यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमें इक्वल्स यूज़ करना है चाइल्ड की, अगर उसका चाइल्ड की मिल जाता है, अगर चाइल्ड की इक्वल्स हम लोग का यहाँ पे उसका यूज़र आईडी मिलता है तब हम लोग यहाँ पे क्या गेट करेंगे। यहाँ पे आपको वेरिएबल में जाना है, और यहाँ पर आपको एक नंबर ऐड करना है वेरिएबल में, यहाँ पे आपको नंबर ऐड करना है, नंबर आपका हो जाएगा बैलेंस। ओके, यहाँ पर आपका बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस आपको ऐड करना है, ये ध्यान में रखिएगा को बैलेंस ही ऐड करना है। इसके बाद ये नंबर आपको यहाँ पे लगाना है, और नंबर को आपको बैलेंस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर में आपको उसका बैलेंस ऐड करना है। तो बैलेंस हम लोग कैसे गेट करेंगे, ऑपरेटर में जाना है, ऑपरेटर में जाने के बाद यहाँ पर टू स्ट्रिंग, यहाँ पर टू नंबर आपको यूज़ करना है, ये वाला ब्लॉक आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये वाला ब्लॉक है टू नंबर, तो टू नंबर वाला ब्लॉक आपको लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वेरिएबल में जाना है, और वेरिएबल में जाने के बाद आपको गेट यूआईडी मैप का ये करना है, और मैप का आपको ये चाइल्ड वैल्यू ले लेना है, चाइल्ड वैल्यू आपको बैलेंस लेना है BALANCE। ओके, तो यहाँ पर आपका बैलेंस इसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बटन वन क्लिक पर आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, यहाँ पर बैलेंस में वैल्यू आपको लगाना है, ऑपरेटर में जाने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपको टू, यहाँ पे आपको दो चीज़ ऐड करना है, आपको सबसे पहला चीज़ यहाँ पर टू स्ट्रिंग विदाउट डेसिमल वाला यूज़ कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर टू स्ट्रिंग विदाउट डेसिमल, अगर आप डेसिमल वाला यूज़ करना चाहते हैं तो डेसिमल वाला यूज़ करिए, और अगर डेसिमल वाला यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो वो भी मत, तो यहाँ पर मैं सीधा सिंपल सा टू स्ट्रिंग विदाउट डेसिमल को डेसिमल कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर डेसिमल में आपको क्या करना है, वैल्यू ऐड करना है, वैल्यू ऐड आप ऐसे करेंगे, यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है, और इसके बाद उस यूज़र के वॉलेट में आपको पैसे ऐड करने हैं तो यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है, और इसके बाद आपको टू नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल में आपको जाना है, एन बैलेंस ले लेना है, बैलेंस प्लस आपको जितना बैलेंस उस यूज़र के वॉलेट में जमा करना है। मान लीजिए आप एक रेफरल पर यूज़र को ₹5 दे रहे हो तो ₹5 आपको ऐड कर देना है। ओके, ₹5 आप सिंपली ऐड करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, और इसके बाद आपको क्या करना है,
यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप एक काम करिएगा यहाँ पर विदाउट डेसिमल वाला यूज़ करिएगा ताकि दिक्कत नहीं हो आपको, ऐड करने में भी दिक्कत नहीं होगा। आप विदाउट डेसिमल वाला ही यूज़ करिएगा तो बैलेंस में वहाँ पर यूज़र का बैलेंस में ऐड होगा। तो यहाँ पर फायरबेस गेट यूआईडी आपको किसका करना पड़ेगा, यूज़र का। तो इंटर रेफरल जो है आपको इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है, मतलब जिसका कोड आप डालेंगे इसमें उसी के वॉलेट में 5 रुपया जमा होगा, समझ गए। जिसके अकाउंट में जमा होगा उसी के अकाउंट में ये बैलेंस जमा हो जाएगा जिसका वो रेफरल रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि जिसने रेफर कोड एंटर किया उसको भी कुछ पैसे मिले, तो आप सिंपली यहाँ पर भी ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पे सिंपली ऐसे यहाँ से इसे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करना है, ड्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लियर लिस्ट का आपको 2 मैप ऐड करना होगा, यहाँ पे आपको मैप ऐड करना होगा माई रेफर, ओके। यहाँ पर माई रेफर ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं माई रेफर वाला आ गया है, तो यहाँ पर आपको ये वाला ऐड कर लेना है माई रेफर वाला, ओके। तो इससे क्या होगा, और इसके बाद यहाँ पर आपको फायरबेस गेट यूआईडी इसमें से ऐड करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको वॉलेट में ही ऐड कर लेना है, कंपोनेंट वाले में, यहाँ पर वेरिएबल में, ये आपका वॉलेट में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप समझिए ध्यान से, अगर ये खाली रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर यहाँ पे अगर यूज़र अपना यूआईडी डालेगा तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको। और अगर यहाँ पे लिस्ट स्ट्रिंग में देखा जाएगा, और अगर ये भी दोनों कंडीशन नहीं होता, यूज़र अपना आईडी नहीं डालता है, दूसरे का आईडी डालता है, तब यहाँ पे चेक किया जाएगा कि अगर वहाँ पर यूज़र बेस में उसका डेटा मिलता है, वो यूज़र रजिस्टर किया हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं किया है तो कोई कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पर एरर आएगा यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। आप यहाँ पर कंपोनेंट में ऐड कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा आ रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, यहाँ पर आपको ऐड करना है यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यूज़र मैच नहीं हो रहा है। तो या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं आप इंटर वैलिड रेफरल कोड, या फिर रेफरल कोड इज़ रॉन्ग, आप ऐसा करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मेन ध्यान यहाँ पर देने वाली बात है कि यहाँ पर एक यूज़र बेस हम लोग क्रिएट करेंगे कि किसके वॉलेट में हम लोग कितना पैसा ऐड करेंगे। पहले तो उसका वॉलेट बैलेंस हम लोग गेट कर लेंगे यहाँ पे कि उसके वॉलेट में कितना पैसा है, जितना पैसा रहेगा उसमें 5 रुपये ऐड करेंगे, और किसका किसके वॉलेट में ऐड करना है हमें। तो टेक्स्ट बुक इंटर रेफरल, मतलब कि जिसका रेफरल कोड है उसी का रेफरल कोड, उसी के रेफरल के वॉलेट में हम लोग यहाँ पर जमा करेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर किसके वॉलेट में भी जमा करने वाले हैं, फायरबेस गेट यूआईडी इस यूज़र के, जो यूज़र यहाँ पर अपना रेफर कोड एंटर करेगा उस यूज़र के वॉलेट में भी 5 रुपया, दोनों के वॉलेट में 5-5 रुपया जमा हो जाएगा, ओके। और इसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये है आपका फायरबेस ऑथ, यहाँ कुछ नहीं करना है, फायरबेस यहाँ पे वॉलेट में आपको देख लेना है कि यहाँ पे वॉलेट में आपने क्या किया हुआ। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फायरबेस गेट यूआईडी, आपने यहाँ पे नंबर में बैलेंस ऐड कर लिया है, तो ये सब कुछ सही है। अब आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आप सिंपल एक काम करेंगे, यहाँ पर जो एक कॉपी का बटन है, ये कॉपी टेक्स्ट व्यू 2 है जिसको हम लोग कॉपी के लिए यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट व्यू 2, या फिर हम लोग ऐसा ले सकते हैं, ये जो है तो लीनियर 5 है, ओके। तो लीनियर 5 इसके नीचे में है, ये टेक्स्ट व्यू 2 है, टेक्स्ट व्यू है और इसके नीचे में लीनियर 5 है। तो लीनियर 5 पे जैसे क्लिक होगा तो कॉपी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर लीनियर 5 कहाँ गया, ये है लीनियर 5, इस पर हम लोग ऐड करेंगे। तो लीनियर 5 पर जैसे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाला लगाना है और एक टोस्ट लगा देना है, ओके। और कॉपी टू क्लिपबोर्ड यहाँ पे टोस्ट पे आपको लिख देना है कॉपीड, हो गया। और इसके बाद यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड में आपको करना क्या है, यहाँ पर यूज़र का रेफरल कोड आपको कॉपी कर लेना है। तो यूज़र का रेफरल कोड आपको गेट टेक्स्ट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू 2 है, नहीं यहाँ पर माई रेफर कोड, माई रेफर कोड को आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। माई रेफर कोड यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, इसके बाद यूज़र वहाँ पे सबमिट करेगा। तो मैं इसको रन करके आपको शो कर देता हूँ कि ये कैसा बना हुआ है, इसमें कोई एरर तो नहीं है ना। तो यहाँ पे अब एपी के बिल्डिंग प्रोसेस में आ चुका है, और अब ये जल्दी एपी के बिल्ड हो जाएगा। ये इंस्टॉल मैं कर रहा हूँ, तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर रहा हूँ, ताकि ये इंटरनेट कनेक्शन ऑन होने के बाद अर्निंग ऐप ओपन होगा तो कोई एरर आएगा तो मालूम चल जाएगा। तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ इसे, आप देख सकते हैं ये ओपन हुआ। स्टार्ट बटन पे मैं टैप कर रहा हूँ, होम पेज पे मैं आ चुका हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे
मैं लेकर चलता हूँ अर्निंग पेज, अर्निंग के पेज पे। यहाँ पे रिडीम मनी के पेज पर भी कोई एरर नहीं आ रहा था, मैं यहाँ से फिलहाल बैक कर रहा हूँ। रेफर एंड अर्न वाले पेज पे मैं चलता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए आप बिना कुछ किए सबमिट करते हैं तो यहाँ पर प्लीज़ इंटर रेफर कोड आ जाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर क्या करना है, टेक्स्ट व्यू टू में यहाँ पर रेफर कोड इसलिए नहीं आया है कि यहाँ पर रेफर कोड आपने नहीं किया। हालांकि आप इसे अगर कॉपी करेंगे तो आपका रेफर कोड यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। ऑन क्रिएट में आपको ऐड कर लेना है। ओहो, यहाँ पर आपका रेफर कोड आपने एंटर नहीं किया हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्केचवेयर में, यहाँ पर इवेंट में जाना है, ऑन क्रिएट में जाना है, आपको यहाँ पर सेट कर लेना है टेक्स्ट व्यू सेट टेक्स्ट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वाला, इसलिए वहाँ पर एरर आ चुका है। तो यहाँ पर एरर नहीं है वो, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू टू में हम लोग, टेक्स्ट व्यू टू नहीं, माई रेफर कोड में आपको सेट कर लेना है। ये जो है कंपोनेंट में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर फायरबेस गेट यू आई डी आप यहाँ पे कर लेंगे तो फायरबेस का यूज़र आईडी मिल जाएगा यहाँ पर इस टेक्स्ट व्यू पे आपको मिल जाएगा। तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, स्टार्ट बटन टाइप करने के बाद अर्निंग के पेज पर पे मैं चलता हूँ रेफर एंड अर्न। तो यहाँ पर जैसे आप सबमिट करेंगे तो प्लीज़ इंटर रेफर कोड, मान लीजिए आप कुछ भी एंटर कर देंगे यहाँ पर, तो यही आपका रेफर कोड है। यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा करके आएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसके जो ये इनवाइट और फ्रेंड वाला सिस्टम है, तो हम लोग इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी अब हमारे ऐप में तो कुछ बचा नहीं है, और हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमारा जो जो डैशबोर्ड है इसको हम लोग क्लियर करके, कोशिश करना है कि इस मंथ तक मैं इस ऐप को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो देन आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे टाइप करिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको सबसे पहले जरूर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Bye.